मैं रविंद्र कुमार बादल, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग समाजशास्त्र के विषय के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा से। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से समाज में रहा है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के बारे में काफी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीबी बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। यहाँ अब हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 ईस्वी में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्टे के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफी योगदान रहा है। अब हम समाजशास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से बना हुआ है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा का बना हुआ है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी नाम रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो विभिन्न समाजशास्त्रों के दृष्टिकोणों में भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र को परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नांकित चार भागों में बांटा जा सकता है। कुछ प्रकार से हैं। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा है, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो जब हम लोग अब क्या करेंगे, इन परिभाषाओं के आधार पर प्रत्येक जो परिभाषा है उनका हम अलग अलग ढंग से वर्णन करेंगे, इनकी विवेचना करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो इसके अंतर्गत हमारे पास वार्ड महोदय है। वार्ड महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरे राइटर हमारे साथ हैं ओडम, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे जो समाजशास्त्री है मैकाइवर तथा पेज, इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी सोसाइटी इट मीन्स समाज, उन्होंने उनकी परिभाषा इस प्रकार से दी है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दूसरे समाजशास्त्री है मैक्स वेबर,
वो कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। अब हम इन सभी परिभाषाओं को संपूर्ण रूप में कहें तो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरी परिभाषा है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। तो इसके अंतर्गत जॉनसन महोदय हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। इस प्रकार सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह, खेल कूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से इनका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। फोर्थ जो परिभाषा है उस प्रकार से है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अंतःक्रिया होती क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है और यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। इसके अंतर्गत हम लोग एक परिभाषा लेंगे जोर से निर्मोक्त के अनुसार। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है यहाँ पर नेक्स्ट वेबर महोदय की। वो कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हम लोग इन जो चार जो परिभाषाएं हैं उनका संपूर्ण रूप से अगर अध्ययन करें तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। धन्यवाद।